दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमारे दो कैबिनेट मंत्री और बहुत सारे नेता, पार्षद, विधायक वो उनके धरने में लगातार शामिल हो रहे हैं, जा रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरे मसले पर भारत के प्रधानमंत्री खामोश है। जो उन्होंने अपने एक वक्तव्य में मैंने देखा, उनका एक वीडियो, वो विनेश फोगाट को अपनी बेटी अपने परिवार का सदस्य बताते हैं। तो जिसको आप अपनी बेटी अपने परिवार का सदस्य बता रहे हैं, उसके साथ पुलिस बदसलूकी कर रही है, वो पिछले 10-12 दिनों से धरने पर बैठी है, आप उससे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, आप इस पूरे मसले का कोई समाधान करने के लिए तैयार नहीं, आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, ये किस प्रकार की सोच और किस प्रकार की कार्रवाई है? देखिए, ऐसा है कि देश संविधान के हिसाब से चले, भारत का संविधान, भारत का कानून अपने आप में सक्षम है अपराधियों को सजा देने। लेकिन अगर सत्ता की साजगांठ रहती है अपराधियों के साथ, तो उनको सजा मिलना मुश्किल हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून और संविधान के मुताबिक जो भी अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको सजा मिले। आज इनकाउंटर पे लोग खुश होते हैं, तो क्यों खुश होते हैं? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भाई न्यायालय की प्रक्रिया बड़ी जटिल है, उसमें किसी को सजा मिलने में लंबा समय लगता है। भाई जा चुकी हमारी कैबिनेट मंत्री आतिशी जी, जो खेल मंत्री भी हैं वो भी गई, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी गए, गोपाल राय जी गए, हमारे सारे लोग, सारे विधायक, पार्षद, खुद मुख्यमंत्री, सारे लोग गए। महिला ने कहा कि उनके ऊपर किया गया है, तो इसको लेकर आप लोग तरफ से बात मत कीजिए। वही रेस्लर ये भी कहते हैं कि हमारे मुद्दे को राजनीतिक रंग न दे, तो उनकी जितनी डिमांड, रात में उनके लिए चारपाई का इंतजाम करने हमारे विधायक सोमनाथ भारती गए, उनको अरेस्ट किया पुलिस ने। हम तो उनके उतनी देखिए, उनको भी ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे किसी आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। जितने वो लोग बात कहते हैं उसके हिसाब से हम काम करते हैं, उनको आप मदद करते हैं। बीजेपी में शामिल हो जाइए, सत्या कीजिए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। कैसे उठाए बताइए, कौन सुनेगा? देश की सबसे बड़ी संस्था ने लिख के मुझे दिया कि मुझसे गलती हो गई, संजय सिंह जी आपका नाम शामिल कर दिया। अब आप किसकी बात कर रहे हैं, आप बताइए मुझे। ईडी जो सबसे सशक्त एजेंसी है, जो नास्ती है मोदी के इशारे पर, उसने लिख के दिया मुझसे गलती, एक सांसद का नाम झूठे तरीके से फंसाया जा रहा है। और कैसे बोले आप बताइए मुझे, पार्लियामेंट में किसान का सवाल हो, मजदूर का सवाल हो, मुझसे ज्यादा और आम आदमी पार्टी ज्यादा फर्क होता है? हमसे तो परेशान ही इसीलिए रहते हैं लोग। अभी समय लगेगा। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।